हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्या बातें करने वाले हैं। हम लोग यह बातें करने वाले हैं कि भाषा सीखने की शुरुआत कैसे करनी चाहिए। मैं सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव शेयर कर रही हूँ, आप लोगों के पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन आप लोग उसे जरूर शेयर करिएगा कमेंट बॉक्स में। हम नहीं जानते हैं कि कब हमारा कौन सा मैसेज किसी को कुछ सिखा जाए, तो ऐसा नहीं है कि जब हम वीडियो बना रहे हैं तो सिर्फ हम ही सिखा रहे हैं, हमें भी तो आपसे सीखने का मौका मिल सकता है अगर आप लोग शेयर करते रहे, इंटरेक्ट करते रहे। तो ठीक है, अब हम मेन मुद्दे पर आते हैं, और वो यह है कि जब हम भाषा सीखने की शुरुआत करते हैं तो ज्यादातर क्या करते हैं, हम अल्फाबेट सीखते हैं, फिर वर्ड सीखते हैं, यहाँ पर रूल सीखते हैं, ट्रांसलेशन वाला प्रोसेस भी करते हैं, ये सब करते हैं, इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करते हैं। मतलब अगर भाषा इंग्लिश है तो इंग्लिश बोलने की, अगर कोई भी भाषा है तो उसको बोलने की प्रैक्टिस करते हैं, कोशिश करते हैं कोई मिल जाए हमें जिससे हम उसके साथ हम बातें कर सकें। कुछ लोग मूवी देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, लिखते हैं, लोगों से चेक करवाते हैं। तो ये सारे के सारे तरीके अच्छे हैं और सारे के सारे तरीके काम भी करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे तरीके हैं जो बहुत टाइम टेकिंग हो जाते हैं, कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे आपकी जर्नी थोड़ी सी छोटी हो सकती है, थोड़ा आसान हो सकता है। फिर कैसे होगा ये? अब देखिए, अगर अल्फाबेट तो हम सीखते ही हैं, हम सीख ही चुके हैं, वर्ड्स भी हम कुछ ना कुछ जानते ही हैं, लेकिन इतने सारे वर्ड्स हैं, हम सारे वर्ड्स तो नहीं सीख पाएंगे। तो क्या होता है कि हम कुछ वर्ड्स सीखते हैं और उसके बाद हम फिर दूसरी चीजों जैसे कि ग्रामर रूल्स, जैसे कि ट्रांसलेशन, मतलब दूसरी दूसरी चीजों पे भी फोकस करते हैं। तो हमारा फोकस जो है वो एक जगह नहीं होता है, हर चीज थोड़ी थोड़ी सीख लेते हैं। और फिर एक टाइम आता है जब हम सोच रहे होते हैं कि हम तो इतने महीने से या इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं तो कुछ तो हो ही नहीं रहा है, लेकिन अगर हम इसको ठीक रिवर्स कर दें। अब देखिए, अगर हम शुरुआत सेंटेंसेस से करें तो क्या होगा? अब हम बात जब करते हैं तो हम सेंटेंसेस का तो ही इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी हम एक दो वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, पर ज्यादातर हमारी बातें कैसे होंगी, पूरा का पूरा वाक्य होगा। तो अगर हम उससे शुरुआत करते हैं, अब जैसे देखिए, हमने कुछ मूवी देखी या फिर हमने कुछ किताबें पढ़ी, क्योंकि ये दो चीजें मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि किताब स्टैंडर्ड रीडर्स, स्टैंडर्ड राइटर्स जो हैं तो उनकी हम पढ़ते हैं, तो वहां से हमें करेक्ट मिलेगा वो चीज। अगर हम मूवी देखते हैं तो वहां से हम कुछ सही सीख रहे होते हैं। अब हम अगर किसी से बात कर रहे हैं और वो भी सीख रहा है तो वो भी गलतियां कर सकता है, तो हम श्योर नहीं है कि हम सही ही सीख रहे हैं, लेकिन किताब से, मूवीज वगैरह से हम सीधा सीख सकते हैं, तो वहां गलतियों के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इसलिए हमें किताब पढ़ना और मूवी देखना, एक तो मतलब अच्छा भी लगता है, लेकिन ये हमारे लिए फायदेमंद भी बहुत है। तो हम ये काम कर रहे हैं, इसमें हम वर्ड्स नोट करके, फ्रेजेस नोट करके, ये सब ना करके अगर हम सीधा कुछ सेंटेंसेस, मान लीजिए 3 घंटे की मूवी या 1.5 घंटे की मूवी है, अगर हमने सिर्फ 2 सेंटेंसेस भी उसमें से नोट किए, वो 2 सेंटेंसेस जो हमारी बातचीत में काफी आ रहे हैं, तो क्या होगा, वो 2 सेंटेंसेस हमारे लिए इस्तेमाल करना आसान है। हमने उधर सीखा कैसे वो कहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं और सीधा वो कहीं पे किसी के साथ इस्तेमाल कर दिया, 2 से 3 4 बार किसी के साथ बात करने के दौरान इस्तेमाल किया और फिर वो हमेशा के लिए हमारा हो गया। ये तो हुआ, कॉन्फिडेंस हमारा शुरू से ही आएगा क्योंकि हम शुरुआत में ही 2 3 ऐसा करके हम सेंटेंसेस बोलना शुरू कर देते हैं। मीन्स हम स्पोकन इंग्लिश की बात करते हैं लेकिन हम बहुत महीने तक तो सीख ही नहीं पाते बोलना, और फिर इसीलिए हमारा कॉन्फिडेंस जाता है। लेकिन अगर हम सेंटेंस पहले से सीखना शुरू करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ता जाएगा, जो कि हमें और भी मेहनत करने के लिए प्रेरित भी करेगा, उत्साहित भी रखेगा। ये एक फायदा। दूसरा फायदा ये है, अब आप सोचिए, ये कुछ ऐसा है कि
कि आपको दो ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, एक तो पूरा मकान मिल रहा है, दूसरा एक कमरा मिल रहा है। अगर आपको सिर्फ वो कमरा भी चाहिए, तो अगर आपको मकान मिल रहा है तो वो तो कमरा उसी मकान में आता है, वो तो बस उसका एक हिस्सा है, आपको बहुत सारी चीजें और भी मिल रही हैं। जब हम सेंटेंस सीखते हैं तो हम वर्ड्स भी सीखते हैं क्योंकि वो उसमें आते हैं, हम फ्रेजेस भी सीखते हैं, ग्रामर रूल्स भी हमें धीरे धीरे आ जाता है, तो हम वो सारी चीजें सीख लेते हैं जो दरअसल हमें सीखने की जरूरत है, लेकिन जिनको सीखने में हम बहुत सारा समय खुद ही पहले गंवा चुके होते हैं और अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं, तो ये चीज नहीं होगी। यह हम गलती करते हैं, यह गलती मैंने की है। और इसके इस चक्कर में क्या होता है कि एक तो हम ट्रांसलेशन में भी जाते हैं, फिर उसके बाद चूंकि हम वर्ड सीखते हैं फिर हम सोचते हैं कि कैसे इसको इस्तेमाल करना है, वो सही हो सकता है वो नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसमें हम समय तो गंवा ही रहे हैं लेकिन हम श्योर भी नहीं है। तो आप देखिए कि क्या करना चाहिए आपको। अगर आप सीधा सेंटेंसेस का शुरुआत कर देते हैं सीखना तो चीजें आपके लिए ना ही बिल्कुल आसान होंगी, बस बस ये भी होगा साथ ही साथ कि आप बहुत ही उत्साहित होकर, बहुत खुश होकर और इसको स्ट्रेसफुल ना लेकर आराम से सीखेंगे और इसको एंजॉय करेंगे। और चूंकि यह गलती मैंने की है तो इसमें हमारा मदर टंग इन्फ्लुएंस आते रहता है, हम बार बार अपनी भाषा से इंग्लिश या जो भी भाषा सीख रहे हैं उसमें हम ट्रांसलेट करने की गलती करते रहते हैं, और इस तरह से हम लैंग्वेज की ब्यूटी खराब करते हैं, क्योंकि हर लैंग्वेज का बोलने का अपना एक अलग ढंग होता है, एक अलग शैली होती है। हम इंग्लिश को हिंदी की तरह बोलें तो खराब, हिंदी को पंजाबी की तरह बोलें, मीन सबका एक अलग अलग तरीका है बोलने का। तो हम इस तरह से लैंग्वेज की ब्यूटी भी नहीं खराब करेंगे, जैसी है वो वैसी ही हम सीखेंगे। तो लाउड रीडिंग करें, मूवी देखें, सेंटेंसेस दो तीन, बस दो तीन सेंटेंसेस नोट करें जो आप बोल सकते हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस, और उसको इस्तेमाल करें और फिर देखिए कि कैसे कितनी जल्दी आप सीख जाते हैं।